खबर देहरादून से, जहां पर मौसम का मिजाज कुछ इस तरीके से बदला के झमाझम बारिश में पूरा देहरादून शराबोर हो गया। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश लोगों को गर्मी से राहत दिलाती हुई दिखी। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तेज बारिश हुई। हालांकि इस बीच में तेज हवाएं भी चलती रही, कई जगहों से पेड़ उखड़ने की खबरें भी आई, रास्ते बाधित होने की भी खबरें आई। मगर इस तेज बारिश के बाद में जहां पर लोग गर्मी से परेशान थे, अब राहत मिली है। हमारे सहयोगी अजीत कॉम्बोज हमारे साथ फुलाइन के जरिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत, मौसम का बदला हुआ मिजाज जाहिर तौर पर लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आया। बिल्कुल, जब आज जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ है खराब मौसम को लेकर, और उसी का परिणाम है कि आज सुबह से मौसम खराब बना हुआ था राजधानी देहरादून में, और अब कुछ ही देर पहले यहाँ पर काफी तेज हवाओं के साथ बरसात हुई है, जिसके चलते लोगों को एकाएक अपने को छुपाना पड़ा। तो ऐसे में मौसम खराब होने से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन तेज हवा और बरसात के साथ जगह जगह अब नाले भी उफान पर आते हुए नजर आए हैं। हालांकि बारिश अब रुकी जरूर है, लेकिन जो सड़क है वो लबालब है शराबों से, बरसात के पानी से। मौसम विभाग का अलर्ट है 25 जून तक के लिए कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। हालांकि मानसून की अभी कोई संभावना नहीं है 25 जून से पहले यहाँ पर आने की, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके चलते तेज बरसात यहाँ पर लगातार शुरू हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया अजीत, इन तमाम जानकारी के लिए।